नागिन 3 को शुरू हुए एक महीना होने वाला है और अब तक आप इसके 8 एपिसोड देख चुके हैं। अब तक तो सीरियल में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पहले करिश्मा तन्ना ने नागिन के अवतार में दर्शकों का मन मोहा, फिर अनीता हसनंदानी ने भी नागिन रोल के साथ काफी हद तक न्याय किया। करिश्मा तन्ना और अनीता दोनों ही दर्शकों को अच्छी भी लगी, मगर ये क्या, सुरभि ज्योति की बात आते ही दर्शक मायूस हो गए। बेला के रोल में तो सुरभि ठीक थी, मगर जैसे ही सुरभि का नागिन अवतार सामने आया, दर्शकों का मन पूरी तरह खट्टा हो गया। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुरभि ही मेन नागिन है, लेकिन पता नहीं एकता कपूर ने क्या सोचकर मौनी रॉय का किरदार सुरभि ज्योति को दे दिया। सुरभि नागिन के रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं लगी, ना तो सुरभि की बॉडी लैंग्वेज नागिन जैसी लगी, ना ही उनकी आंखों में वो इंतकाम वाली आग नजर आई। और रही बात गेटअप, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी की, तो वो भी सब काफी फीका लगा। आखिर में बात एक्टिंग की तो वो भी कहीं से भी नागिन किरदार के मुताबिक नहीं थी, जबकि मौनी रॉय नागिन के रोल में काफी शानदार लगती थी। दोनों ही सीरीज में मौनी रॉय ने अपनी दमदार अदायगी से सबको दीवाना बना दिया था। मौनी का अंदाज और उनकी आंखों का गुस्सा नागिन किरदार पर बिल्कुल जचता था। वो नागिन रूप में काफी खतरनाक दिखती थी, मगर अफसोस सुरभि ज्योति अपने पहले नागिन लुक में वो इम्प्रेशन दर्शकों पर कतई नहीं छोड़ पाई जो नागिन का स्पेस भर सके। अब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कतई ना भूले कि क्या आपको लगता है कि मौनी रॉय की जगह सुरभि ज्योति भर पाएगी, या फिर एकता कपूर ने सुरभि ज्योति को लेकर एक बड़ी भूल की है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।